जाता है कि जिसकी कुछ हद नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं चलता कि इसके अंदर चीज है या नहीं है। तो पहचाना आप लोगों ने मैं बना क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ विदाउट चीज मजेदार पिज्जा। विदाउट चीज पिज्जा बनाने के लिए जो अज्जा मैंने लिए हैं वो हैं, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो डो बनाने के लिए यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और इसके अंदर जो चीजें हम शामिल करेंगे वो है 1 टेबल स्पून ईस्ट है हमारे पास, 1 टेबल स्पून शुगर है और 1/2 टीस्पून मेरे पास जो है नमक है। ऑयल हम 4 टेबल स्पून यूज करेंगे। फिलहाल हमने 1/2 कप पानी लिया है। तो ये तो हमारी डो की अज्जा हो गए। अब यहाँ पर हमने चिकन ली है, तो चिकन हमने यहाँ पर 300 ग्राम लिए और छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं चकोर चकोर से। और इसके स्पाइसेस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर हमने कुटी हुई काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लहसुन लिया है चॉप किया हुआ, तकरीबन 3 जवे थे उसको मैंने जब कद्दूकस पे वो किया ग्रेट किया तो इस तरीके से 1 टेबल स्पून बन गया। 2 चुटकी यहाँ पे ऑरिगेनो है और 1/2 टीस्पून जो है यहाँ पर है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर है जीरा पाउडर, नमक हसबे जायका यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है और लेंगे जनाब सिरका और सोया सॉस। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 50 ग्राम बटर लिया है, यहाँ पर मैंने 1 टेबल 1.5 टेबल स्पून मैंने जो है यहाँ पर मैदा लिया है। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 1/2 टीस्पून जो है हम यहाँ पर नमक शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च करेंगे, पिसी हुई काली मिर्च करेंगे और यूँ समझे कि बस यूँ गुजर के जाने वाला जो है ना कलर इस्तेमाल करेंगे, बहुत बहुत ही मामूली सा, मतलब 1 पिंच बोलना या 1/2 पिंच बोलना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस बहुत मामूली सा मैं बताती हूँ आपको। और मैंने यहाँ पे 250 ml जो है दूध लिया है और यहाँ पर मैंने पिज्ज़ा सॉस ली है, तकरीबन 1/2 कप ली है मैंने यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है हम चिकन को जो है ना मैरिनेट कर देते हैं और उसके बाद बनाते हैं डो। तो चिकन जो है हमने अच्छे से धो करके इसका पानी जो है वो खुश्क कर लिया था, तो कुछ एकदम इसके अंदर नहीं करना है, बस ये तमाम के तमाम स्पाइसेस जो हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल लेते हैं 1 टेबल स्पून सिरका, 1.5 टेबल स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून यहाँ हम डाल लेते हैं सोया सॉस और इसे इस तरीके से मैरिनेट करके हम इसे साइड कर देंगे और उसके बाद बनाएंगे डो। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है, अब हम यहाँ पर डो तैयार करेंगे। ये तीनों चीजें इसके अंदर डाल लेते हैं हम और यहाँ पर हम 1/2 कप पानी भी डाल लेते हैं जो 125 ml है हमारे पास, और साथ ही हम इसमें 4 टेबल स्पून 1/2 और अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। और ये देखें इसमें हमने अच्छे से पानी मिक्स कर दिया है, बस ये अभी हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसी तरीके से टुगेदर कर दिया है हमने एक जगह इकट्ठा करके। और इसके अंदर मैंने पहले 1/2 कप पानी के अंदर जो है मिक्सचर बनाया था डो का, और उसके बाद तकरीबन यूं समझेंगे 75 ml पानी जो है मैंने मजीद इसमें शामिल किया है, यानी 1/2 कप का भी 1/2, यानी 3/4 कप जो है हमने इसके अंदर पानी इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमने 1.5 टेबल स्पून मैदा लिया है
और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखें हमने इसे रोस्ट कर लिया है। अब हम चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर दी है हमने, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। और इस तरीके से स्पेचला की मदद से इसे इस तरह से पुश करेंगे ताकि ये जो है ना इसमें गुठलियां ना बने, अच्छा सा बेटर तैयार हो। और इसके अंदर एक चावल के दाने बराबर जितना जो है कलर डाल देते हैं। ये देखिए सिर्फ चावल के दाने बराबर ही डालना है ताकि येलो येलो सा कलर आ जाए इसके अंदर। और अभी हम साथ साथ इसके अंदर बटर डाल देंगे जो कि 50 ग्राम के करीब लिया है हमने, पूरा पूरा 50 ग्राम। और इस तरीके से ये देखें ऐसे करके ऐसे करते रहना है ताकि गुठलियां ना बने इसके अंदर। साथ साथ नमक और ब्लैक पेपर भी डाल दिए हमने। बहुत मजेदार सी व्हाइट सॉस बनती है ये। सिर्फ चीज का कलर लाने के लिए हमने इस्तेमाल किया था फूड कलर, और अगर आप चाहें ऑप्शनल है, चाहें तो ना करें चाहें तो कर लें। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, तो अब हमने आंच थोड़ी सी तेज की है। पहले बिल्कुल स्लो कर ली थी आंच हमने, जैसे दम देते हैं। अगर तेज आंच पर हम आटे के अंदर मैदे में दूध शामिल करते तो क्या होता कि वो गुठलियां बन जाती हैं इसके अंदर, लम्स बन जाते, तो इस वजह से हमने आंच स्लो रखी थी। अब हमने आंच को थोड़ा सा तेज किया है और इसे इतना पकाएंगे कि ये एक अच्छा सा गाढ़ापन इसके अंदर आ जाए, क्रीमी क्रीमी सा हो जाए ये। तो ये आप देखें कि ये माशाल्लाह से कितना गाढ़ा हो चुका है। तो बस ये इतनी इसकी थिकनेस रखनी है इसकी, ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे बॉल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ हमने पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, और इसमें हम मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देंगे। इसे हम 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि चिकन जो है हमारी गल जाए। आंच धीमी कर देंगे और इसे हम कवर कर देंगे। चिकन जो है वो हमारे पास हो चुकी है, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे कुक किया है। तो ये देखें बिल्कुल सेट हो चुकी है, इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ देखें हमने ये चिकन निकाल लिए बाउल में, लेकिन तेल जो है ना वो हमने इसी में रहने दिया, क्योंकि पिज्जे के अंदर ऑयल जो है ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसे इसी तरह से कर लिया। अब यहाँ देखें यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन रख दिया है, इस साइज का रखा है कि इसके अंदर हमारी पिज्जा प्लेट आ सके, ठीक है। और हमें जो है इसके ऊपर जो है वो जो कंच वाला इसका कवर होता है वो हमें नहीं रखना है, बल्कि हमें इस पे कोई सिल्वर कवर या स्टील कवर इस तरीके से, या कोई बड़ी थाली हो इस तरीके से इसे ढकनी है। तो हमने इसका इंतखाब किया है, एक थाली थी हमारे पास वो हमने इसके ऊपर और इसे दरमियानी आँच पर जो है हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ हम डो को देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से डो जो है हमारी कितनी अच्छी सी फूल गई है। तो हैंड को वॉश करते हुए और इस तरीके से हाथों में तेल लगा लेंगे, और उसके बाद इसे फिर से इस तरह से इकट्ठे करेंगे। और अब इस टाइम ना हम इसे थोड़ा अच्छा सा गूंद लेंगे। ये देखें कितनी मतलब चिकनी चिकनी सी डो हो चुकी है रखने से, बहुत ही स्मूथ। अब इसे अच्छे तरीके से हम 5 मिनट तक गूंदेंगे ताकि ये बहुत ही नरम मुलायम हो जाए। तो ये आप देखें बहुत ही जबरदस्त किस्म का खमीर इसके अंदर बन चुका है, और अच्छे से इसे हमने गूंद लिया है। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। यहाँ मैंने 2 पिज्जों के लिए जो है ना 2 का पांटा लिया था, तो हम आपको एक बनाकर दिखाते हैं इस तरीके से। बहुत अच्छे से ऐसे हाथों से कर करके
और इस तरह से आपने गोल बना लेना है। यहाँ पर जो है ना हमने एक कवर ले लिया है, जो सिल्वर की देगची का जो कवर होता है ना वो ले लिया है हमने, पिज्जा प्लेट नहीं लिए हमने। तो ये इसमें हम बनाना सिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पिज्जा प्लेट नहीं होती है, तो हम भी जो है इसके अंदर सिखा रहे हैं ताकि आम लोग भी इस तरीके से जो है वो बना सकें। तो पहले हम इसे ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लगाइएगा, मैंने 1 स्पून लगाया है इसके ऊपर ताकि हमारी पिज्जे की डो जो है चिपके ना। इसको हम साइड से कर देते हैं, तो ये इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा सा मैदा जो है इधर डस्ट कर लिया है। जितना बड़ा हमने कवर लिया है उसी हिसाब से जो है ना हम एक अच्छी सी रोटी ठीक सी बना लेंगे इसकी। तो यहाँ देखें हमने रोटी बेल ली है और इसे हम करीब पे रख लेंगे इस तरह से। पहले हम रोटी को उठाएंगे इस तरह से हाथ से और फिर ये इस तरीके से इस पे बिछा लेंगे सारी, और हाथ की मदद से थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे इसकी। फिंगर की मदद से इस तरीके से किनारों पे कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त सी बन चुकी है ये। अब फॉक की मदद से इस पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और सबसे पहले इस पे पिज्जा सॉस लगाएंगे। अब हमने जो व्हाइट सॉस बनाई है वो हम इसके ऊपर रख लेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। और ये देख सकते हैं आपके ठंडी होने के बाद जो है ये हमारी जो व्हाइट सॉस है कैसे क्रीमी शेप में आ गई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे क्रीम लगा रहे हैं इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर चिकन रख लेंगे। सब चिकन लगा लिए, यहाँ हमने टमाटर और प्याज लगाने हैं जो हमने जॉलियन कट स्टाइल में काटे हैं। एक टमाटर और एक शिमला मिर्च, सॉरी प्याज बोल दिया मैंने, एक टमाटर एक शिमला मिर्च, इस तरीके से आप इसे गार्निश कर लीजिए। और यहाँ हमने ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं, स्लाइस में है ये हम लगा देंगे। और अब हम इस पर थोड़ा सा ओरिगैनो छिड़क देंगे इस तरीके से, और यहाँ थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स। तो ये देखें आप माशाल्लाह से हमारा जो विदाउट चीज पिज्जा है वो बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। ये देखें यहाँ पर हमने रख दिया है, इसे हम कवर कर देंगे। इसे तकरीबन हम 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर जो है ना कुक करेंगे। तो ये देखें आप कितनी स्लो आंच हमने रखी हुई है, बिल्कुल मीडियम स्लो है। तो ये देखें आप माशाल्लाह से कैसा जबरदस्त सा ये बेक हुआ है। बहुत गर्म हो रहा है अभी, ये मैं आपको उठा के दिखाती हूँ नीचे से भी। ये देखें आप माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बेक हो चुका है। अब मैं इसे कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे से हल्का हल्का सा क्रस्ट है,
तो ये देखें आप, माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त बैग हुआ है। ये मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, ये आप देखें, ये देखें आप, और कलर देखें नीचे से, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा आया है ये। तो कैसी लगी आपको विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा रेसिपी? इसे आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बनाते हुए भी मज़ा आएगा, खाने में भी मज़ा आएगा और सबको पसंद आएगा। ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि इसके अंदर आपने चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसलिए आप चीज़ के लिए परेशान होना छोड़ दीजिए और विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा घर पर बनाइए, खुद भी खाइए और घर वालों को भी खिलाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, जो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।